Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेनबो पेस्ट्री, जो कि हम विदाउट ओवन बनाएंगे, स्टीम करके बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है उन बिगनर्स के लिए जो बेकिंग को बहुत ही हार्ड समझते हैं। तो चलिए देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। या फिर रेनबो पेस्ट्री बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेसिपी बहुत ही आसान है, ना ही इसमें जलने का कोई डर होता है केक के, और ये बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 100 ग्राम, कप में होगा हाफ कप। यहाँ पे कुछ कलर्स लिए हैं मैंने, आपके पास जो अवेलेबल होंगे कलर्स आप वही यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ कलर्स यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास अवेलेबल थे। 20 ग्राम यूज़ किया है यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर। दूध लिया है यहाँ पे मैंने 30 ml। ऑयल है यहाँ पे 75 ml। चीनी लिए है 100 ग्राम, हाफ कप। 3 अदद लिए हैं अंडे। 1/2 टीस्पून लिए है नमक। 1 टीस्पून लिया वनीला एसेंस। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें ये तमाम अंडे तोड़ लेंगे। यहाँ पे तमाम अंडे जो है मैंने इसमें तोड़ दिए। अब साथ ही इसमें ये चीनी जाएगी, साथ ही इसमें ये वनीला एसेंस डाल देंगे और इसको बीट कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, अंटिल ये फोमी सा इसका टेक्सचर बन जाए और ये डबल इन वॉल्यूम हो जाए। अब यहाँ पे अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे बीटर की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल इन वॉल्यूम हो गया है। अब इसमें ये ऑयल डाल देंगे और इसको बीट करते जाएंगे साथ साथ, साथ ही इसमें ये नमक डाल देंगे और अब इसमें दूध डाल के इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे अगेन। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अब इसके अंदर मैदा डाल के अच्छी तरह से छान लेंगे। सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि मैं यहाँ पे सेल्फ राइजिंग फ्लोर यूज़ कर रही हूँ, ये मैदा नहीं है, सेल्फ राइजिंग फ्लोर है जो खुद ही फूल जाता है। इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छी तरह से इसको छान लेंगे। यहाँ पे बाकी का मैदा भी मैंने इसी में छान दिया है और अब कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। अगर आपके पास सेल्फ राइजिंग फ्लोर नहीं है तो आप एक कप में मैदे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स, यहाँ पे ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको स्पैचुला की मदद से साइड से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 बाउल लिए हैं, इसमें ये बैटर निकाल लेंगे इक्वली। यहाँ पे आप बैटर को डिवाइड कर देंगे इस बाउल में, इक्वली डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे 2 स्पून भर भर के एक बाउल में डालती जा रही हूँ। यहाँ पे आप कलर्स डाल देंगे इनमें। यहाँ पे मैं इसके अंदर पहले बाउल में रेड कलर डाल रही हूँ और दूसरे में रेड कलर डाल रही हूँ और साथ ही इसमें ब्लू कलर डालूँगी इसको पर्पल कलर बनाने के लिए। ये ब्लू कलर डाल देंगे इसमें पर्पल इसको बनाने के लिए, और जो तीसरा बाउल है इसमें ये सिर्फ ब्लू कलर डाल देंगे। पॉट लिया है, इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया और एक ये स्टैंड रख दिया है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और गिलास पानी का डाल देंगे, तकरीबन 3 गिलास आपने पानी के डालने। अब इसको ढक देंगे किसी कपड़े के साथ और इसको स्टीम देंगे ताकि अच्छी तरह से स्टीम अप हो जाए। इसके बाद फिर इसमें जो है केक को स्टीम कर लेंगे। यहाँ पे तमाम कलरफुल बैटर जो है अच्छी तरह से तैयार है, मैंने तमाम कलर्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। अब इनको एक साइड पर कर देंगे। यहाँ पर एक मैंने मोड़ लिया है, इसको मैंने
बटर पेपर से ग्रीस कर लिया ऑयल लगा के। अब इसके अंदर ये रेड कलर डाल देंगे। अब इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे हर कोने में स्पून की मदद से। यहाँ पे ये स्टीम हो गया है पानी। अब यहाँ पे इसके अंदर ये मोल्ड रख देंगे और इसको 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे ढक्कन दे के। यहाँ पे 10 मिनट हो गए और ये पहली लेयर जो है इसकी रेड कलर की तैयार हो गई है। मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही गर्म है। यहाँ पे ये देखिए स्टिक की मदद से आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन निकली है और ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो गया है, बेक हो गया है। अब यहाँ पे इसकी दूसरी लेयर डाल देंगे। मैं यहाँ पे इसमें ब्लू कलर डाल रही हूँ ऐसे। अब ब्लू कलर डाल देंगे और इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे हर तरफ और इसको स्टीम देंगे अगेन 10 मिनट के लिए। इसी तरह से बाकी कलर्स में ऐसे डालते जाएंगे और इसको स्टीम करते जाएंगे 10-10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं सारा प्रोसीजर इसी तरह से ही आपने बाकी की लेयर्स भी डालते जाना है 10-10 मिनट के बाद और इसको इवनली स्प्रेड करना है और स्टीम कर लेना है। 10 मिनट लगेंगे स्टीम होने में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगेंगे। अब इसके ऊपर ढकना दे देंगे और इसको स्टीम कर लेंगे 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे ढकना उठा लेंगे। मैंने सारी लेयर्स जो ऐसे लगा दी थी ऊपर और अब ये लास्ट वाली लेयर थी। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको स्टिकी मदद से चेक करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए परफेक्टली डन है। अब इसको बाहर निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। केक जो है ठंडा हो गया अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसको ऐसे स्लाइस करके खा सकते हैं। बहुत ही नरम बनता है और मॉइस्ट सा होता है केक। और सिर्फ डेकोरेशन के लिए अगर आपने यूज़ करनी है तो फिर आप ऐसे ही इसको फॉलो कर सकते हैं रेसिपी डेकोरेशन को। बहुत ही खूबसूरत लुक लगती है ऐसे। ऐसे स्वर्ल से बनाते जाएंगे क्रीम की मदद से। यहाँ पे सिंपल सी मैंने इसकी डेकोरेशन की है। कोई ख़ास लंबी चौड़ी इसकी डेकोरेशन नहीं थी जो, इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। आप कोई भी इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको स्लाइस में कट कर लूँगी। तैयार है मज़ेदार रेनबो पेस्ट्री। बहुत ही मज़े की बनी है। मैं आपको ये उठा के भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर।
काफ़ी स्पॉन्जी और सॉफ्ट सी ये पेस्ट्री बनती है, स्टीम हुआ हुआ है, कोई इसमें ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगती, ना ही जलने का डर होता है और ना ही इसमें कोई फूलने या फिर कच्चा रहने का डर होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट्री के साइज़ में कट किया है, आप चाहें तो इसको स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है, स्टीम बनती है, बहुत ही मज़े का ये, इसका टेक्सचर भी सेम केक जैसे हम खाते हैं वैसा ही होता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये स्पून पे दिखा रही हूँ, देखिए परफेक्ट टेक्सचर है, बहुत ही मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट में बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं, मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।